मैंने सोचा मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ, सो ये मेरा आई थिंक दूसरा ब्लॉग होने वाला। ओके सो अभी जस्ट मैं अपना शूट करके हटी हूँ। लिटरली मेरा सेटअप भी अभी लगा हुआ ही है। सो अभी जस्ट शूट करके मैंने अपना मुंह धोया है एंड मैंने अपने मेरा फेस बहुत ज़्यादा ड्राई हो रखा है अभी। सो अभी मैं थोड़ा सा लगाती हूँ अपने फेस पे मॉइस्चराइजर वगैरह एंड देन हमने जाना है मार्केट। एंड मार्केट जा रही हूँ मैं थोड़ा सा अपना बालों पे कलर वलर कराने। मैंने अपने बर्थडे पे सोचा था, मेरा बर्थडे जा चुका है, 26 दिसंबर को मेरा जन्मदिन था एंड आज है 3 जनवरी। और मैंने लिटरली मैंने अपने जन्मदिन पे व्लॉग बनाया हुआ था बट मेरे जन्मदिन में मैं कहीं जा ही नहीं पाई। मैंने सेलिब्रेट किया, घर पे ही चीज़ें मंगा ली थी ऐसे ही नॉर्मली घर पे। मम्मी भाई बहन पापा नहीं थे, दादा, थोड़ा बहुत चीज़ें मंगाई एंड देन बस वो खाई पी, वही सेलिब्रेशन हो गया था मेरा। मैंने नॉर्मली मैं अपने जन्मदिन पे करती हूँ अच्छे से सेलिब्रेट, वो इस बार मैंने नहीं किया। फिर उसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ 2 दिन बाद मैं गई थी तो वहाँ पे फिर हमने खाया पिया कैफे वगैरह। तो उस करके इस तरह से कुछ इस बार का जन्मदिन रहा है मेरा। एंड तो जन्मदिन पे मैंने सोचा था कि मैं अपने बालों को कलर करूंगी बट पहले मैं अपने फेस को ना यार मॉइस्चराइज कर लेती हूँ लिटरली। सो वन बहुत कंजस्टेड हो जाता है जब सेटअप लगता है ना, तो एक मिनट। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ तो फिर मैंने अपने बर्थडे पे अच्छे से व्लॉग बनाया था एक हफ्ते का। मैंने सोचा था एक हफ्ते से बर्थडे तक का जन्मदिन तक का व्लॉग बनाऊंगी एंड मैंने जो जो किया है वो सारी चीज़ें शेयर करूंगी। बट मैंने लिटरली 3-4 दिन का शूट किया, लाइक पूरा वीक का मैंने शूट किया बट कुछ ना कुछ हो जा रहा था। मैं मार्केट जा ही नहीं पा रही थी, कभी मेरी बहन बीमार, कभी मेरे दादा बीमार, कभी मेरी फैमिली को गांव जाना है, गांव में शादी वादी है, तो उस चक्कर में हो ही नहीं पाया एंड मैं अपने बालों को कलर नहीं कर पाई और मैं जो व्लॉग बना रही थी वो भी कंप्लीट नहीं कर पाई। लिटरली मैं अपने जन्मदिन के दिन कहीं गई ही नहीं। सो कुछ ऐसा हो गया कि मेरा मन ही हट गया एंड मैंने वो व्लॉग डिलीट, मतलब एक हफ्ते का व्लॉग बनाया एंड देन लास्ट डे जिस दिन व्लॉग को बिल्कुल कंप्लीट करना था जन्मदिन वाला दिन, उस दिन मैंने कुछ किया ही नहीं, घर पे मंगवाया, खाया पिया, ख़त्म। उसको क्या ही शूट करती फिर मैंने मतलब छोड़ यार, बाहर में जाइए व्लॉग, मैंने हटा दिया, मैंने डिलीट ही मार दिया। देन आज मैं अभी मुझे आज कलर करवाने जाना है बालों का, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि मुझे अपने बालों में कलर करवाना है, थोड़ा सा लुक अलग करना है क्योंकि मैं बोर हो चुकी हूँ अपने इस लुक से। वैसे तो मैं बोरिंग हुई ही बट थोड़ा तो लुक में तो थोड़ा चेंज लाऊं ताकि दूसरे मेरे से बोर ना हो लिटरली। सो अभी मैंने सोचा है आज मैं जाऊंगी। अभी आज भी मेरी मम्मी कहीं गई हुई है, मुझे अभी जाके दिन का खाना बनाना है। अभी मैं शूट करके उठी हूँ, जस्ट मैंने मुंह धोया है, मैंने व्लॉग शुरू किया हुआ है एंड लिटरली मैं अब दिन का खाना बनाऊंगी। सोचो फिर दिन का खाना बना के मैं मार्केट जाऊंगी एंड मार्केट में फिर पता नहीं कितना टाइम एंड फिर मुझे राशन भी भरवाना है आज घर का। फिर मार्केट में कलर वलर करूंगी अब जहाँ पे जितना भी टाइम लगेगा वो लगेगा। देन उसके बाद मुझे राशन भरवाना है, राशन भरवाने भी जाना है। फिर मैं मतलब निकलूंगी घर से तो राशन वूशन भरवा के सीधा घर ही आऊँगी। फिर अभी मुझे लगता है कि शाम के 7-8 बज जाएंगे मेरे को घर आने में। सो अभी मैं दिन का खाना बना लेती हूँ जल्दी से जा के, पहले ये सेटअप हटाती हूँ एंड देन दिन का खाना बनाती हूँ। आज मैं कढ़ी सोच रही हूँ, कढ़ी बोला था मम्मी ने, कढ़ी बना लेना। दिस इज माई आउटफिट ऑफ द डे एंड बाय द वे ये नेक्स्ट डे है एंड मैं कल नहीं जा पाई क्योंकि कल मेरे घर में कुछ मेहमान आ गए थे एंड देन मैं जा ही नहीं पाई। सो मैं आज जा रही हूँ एंड या
सो अभी जस्ट मैं उठी हूँ 8 बजे एंड अभी मैंने मुंह हाथ कुछ भी नहीं धो रखा है, जस्ट आई हूँ धूप सेक रही हूँ यहाँ पे बैठ के। और मैं कल इतना थक गई थी कि मैंने उसके बाद ब्लॉग मतलब मैंने पूरा ही कंप्लीट ही नहीं किया। वहाँ पे मेरे को ना आई थिंक 5:30 तो मुझे 5:30 तक मुझे सैलून में ही हो गया था एंड मैं बहुत ज़्यादा थकी थी। लिटिल मैं सुबह 11 बजे की गई भी थी एंड वहाँ पे बहुत टाइम लग गया, लाइक बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मुझे राशन लेने भी जाना था, फिर 5 बजे के बाद मैं राशन की शॉप में गई, देन राशन वाशन भराया मैंने सारा, देन मैं घर पहुँची हूँ 7 बजे। 7 बजे मैं घर आई हूँ और मेरी हालत बिल्कुल डाउन थी। पूछो क्या खाना है तुझे? ओ मेरा बच्चा, कहाँ पे बैठा तू? क्या खाना है बता? पराठा खाना है? ले ले खा ले। ओ भाई मम्मी खा ले इसने। ओ भाई साहब, ये था मेरा बालों का कलर जो कि मैंने करवाया है। आई होप मुझ पर अच्छा लग रहा होगा, वैसे मुझे लग तो रहा है ही अच्छा लग रहा है एंड मेरी मम्मी को भी अच्छा लगा, जो कि मेरी मम्मी को कभी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती है और मम्मी मेरी यहीं पे बैठी हुई एंड बहुत पैसा दे के मैंने ये कलर करवाया है बट रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो आपको मुझ पर ये कलर कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना एंड ये व्लॉग भी आपको कैसा लगा है वो भी बताना। अगर बोरिंग लगा होगा ना तो ज़रूर करके ही कमेंट कर देना, ताकि जो नेक्स्ट व्लॉग में बनाऊंगी वो काफ़ी इम्प्रूव करके बनाऊं। सो या मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि मुझे नहीं पता कब आएगा। बाय बाय।